उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील की सरकारी सोसाइटी पर लाखों टन गेहूं खरीदकर पड़ा हुआ है। तहसीलदार और अधिकारियों ने निरीक्षण कर गेहूं को जल्द परिवहन करने के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं। उज्जैन बड़नगर तहसील की सभी सोसाइटी ऊपर इस समय लाखों टन गेहूं पड़ा हुआ है। इधर मौसम प्रतिदिन बदल रहा है, अगर जरा सी भी बारिश होती है तो यह गेहूं खराब हो जाएगा। तहसीलदार बड़नगर और अधिकारियों ने गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और ठेकेदार को निर्देश दिए कि शीघ्र ही गेहूं को उठाया जाए और सुरक्षित जगह पर रखा जाए, क्योंकि इस समय मौसम में जबरदस्त बदलाव चल रहा है। अगर समय रहते इस शासकीय गेहूं को नहीं उठाया गया तो ये बेमौसम बारिश में खराब हो जाएंगे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो सकता है। पिछले बार भी उज्जैन जिले के अंदर लाखों टन गेहूं खराब हुआ था। बेमौसम बारिश की वजह से उसी को लेकर अब अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और गेहूं को उठाने के प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जितने भी गेहूं खरीदी केंद्र है वहाँ पर गेहूं पड़ा हुआ है, गेहूं परिवहन हो नहीं रहा है और साथ ही बारिश का मौसम आ रहा है। किस प्रकार से निरीक्षण किया गया, किस प्रकार से अधिकारी आपने निर्देश दिए और किस प्रकार से क्या रहा? हम लगातार इसमें निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे नोडल पटवारी भी लगातार हमें सूचना दे रहे हैं और उसके बाद में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मुद्दे को लेकर अवगत करवाया है और निश्चिंत ही एक संवेदनशील विषय है कि परिवहन करना है, परिवहन किया जाना है। 3 ट्रांसपोर्टर यहाँ पर परिवहनकर्ता के रूप में चिन्हित हैं और हम लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द परिवहन किया जाए। खरीदी केंद्र कहाँ पर है और काफ़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है, क्यों उठाया नहीं गया और किस प्रकार से क्या है? ये क्या है साहब, ये पीर जलार का केंद्र पलदुना केंद्र है, ये मुख्य केंद्र पीर जलार है और वो पलदुना है, सहायक केंद्र है उसका पलदुना। और यहाँ पे अभी 650 क्विंटल गेहूं जो इसका उठा हो चुका है, बाकी की गाड़ी आनी रही है। अभी हमने 26,000 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया। इस बारे में आपने अधिकारी को बता दिया कि इस गेहूं को उठाया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, अगर बारिश हो जाती है तो गेहूं खराब हो जाएगा पिछली साल की अपेक्षा इस प्रकार? नहीं, हमारी हो गई है, रोज़ फ़ोन से बात होती है। आज भी हमने ऊपर के जिन साहब कार्यालय को अवगत करा दिया है, साहब ने भी कहा कि 48 घंटे में गेहूं उठ जाएगा, गाड़ियाँ आने वाली है तो 48 घंटे का हमको भी समय दिया गया कि इसमें गेहूं आपका उठ जाएगा, 8 से 10 गाड़ियाँ लगने वाली है, ऐसा हमको आज हमने चर्चा करी थी वरिष्ठ अधिकारियों से तो उन्होंने हमको बताया। यह जो गेहूं खरीदी केंद्र है कहां पर है और करीब कितने गेहूं खरीदी केंद्र आपके क्षेत्र में आते हैं? अब ये गेहूं पड़ा हुआ है तो कैसे खराब हो सकता है और क्या रहेगा? माल उठवाना है। अच्छा, इस बारे ट्रांसफर आएंगे, ट्रांसफर वाले तो उठाएंगे अभी 2 रोज में। इस बारे में आपने बताया नहीं अधिकारियों को कि गेहूं उठा दिया जाए ना? अधिकारी को क्या कहा उन लोगों ने? बस के आ रहे हैं, वाहन परिवहन आने वाले हैं। बारिश का मौसम जैसा हो रहा है, अगर ये पानी आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, काफी पहले भी काफी नुकसान हुआ था। हाँ, पल्ली वगैरह ढाक रहे हैं ना ऊपर से, इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं उनकी पूरी। अच्छा, क्या कहा अधिकारियों ने, क्या कहा है? बस गाड़ी लग जाएगी कल पर शाम को तक। अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है? करीब कितना? 9,000 क्विंटल। हाँ, आपके यहाँ पर कितने केंद्र आते हैं आपके क्षेत्र में? अपने यहाँ तो एक ही है केंद्र है ये। अच्छा, गाँव 2 है। अच्छा, उप केंद्र 2 बने हुए हैं, एक ये और एक पलदुना। अच्छा, 2 उपकेंद्र हैं। 2 केंद्र। क्या नाम आपका? जगदीश चंद सिसोदिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।